अस्सलाम वालेकुम क्लास, वकास अमीन अपना माइक्रोवेव म्यूट करें। क्लास किधर गायब है आज आपकी? पार्टिसिपेंट बहुत स्लो स्लो ऐड हो रहे हैं। सोए हुए हैं मेरा ख्याल से। मैं क्लास नहीं थी पहले 8 बजे? नो मैम, आज नहीं थी। आज फर्स्ट क्लास आपकी है। फर्स्ट क्लास मेरी है, और क्लास को ये भी पता है कि आज क्विज भी है, और फिर भी इतनी लेजीनेस है। पहले क्लास में थोड़ा सा लेक्चर दूंगी, उसके बाद आपका क्विज लूंगी। क्विज का टाइम सिर्फ आपके पास जो है वो 20 मिनट्स होगा। क्लास का टाइम जो आपका है 9 to 10 है, 9 से 10 तक है। इसी के दौरान आपका थोड़ा सा लेक्चर लूंगी और उसी के बाद आपका क्विज होगा। लास्ट टाइम जो हमने कल लेक्चर में टॉपिक किया था वो हमारे पास था डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल रैशनल एंड ट्रांजिटिव फंक्शंस थे। आज जो है हमारे पास वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। एग्जांपल्स रिलेटेड टू मैंने कुछ कराई थी, बाकी मैंने कहा था एग्जांपल्स आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के शेयर किए थे, सारे क्वेश्चंस नहीं किए मैंने, कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं अभी फिलहाल। आज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला टॉपिक वाले डिस्कस करूंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और फिर फर्दर से आपको बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो करवाऊंगी, जितना भी हो जाएगा ठीक है। उसके बाद जो है वो बाकी जितना रह जाएगा वो हम फिर आपके साथ कल क्लास है उसके अंदर करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि साइन कॉस थीटा वाले फंक्शन हैं, उनका डेरिवेटिव किस वे में यूज होता है। यहाँ पे साइन कॉस और टेन जो है वो सिंपल फंक्शन है, उनके इनवर्स फंक्शन जो आते हैं। साइन कॉस और टेन का जो इनवर्स फंक्शन बनता है वो सीकेंट कोसिकेंट और कॉट थीटा बनते हैं, जो भी इसका एंगल दिया होता है साथ में डिफाइन होता है। यहाँ पर बेसिकली बाय डेफिनेशन साइन कॉस कॉट सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डेरिवेटिव किस वे में फाइंड करना है वो यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। बट यहाँ पर इसका सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही करवाऊंगी डिटेल से कि ये कॉस के साथ कैसे कन्वर्ट होता है, बाकी सारा नहीं करवाऊंगी। और थ्योरम का प्रूफ वैसे भी आपने नहीं करना, लेकिन सिर्फ जस्ट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ एक जो है प्रूफ यहाँ पे करवाऊंगी, बाकी आपने जस्ट एडिटिव ही फार्मूला के तौर पर इनको यूज करना है अपने क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट पे है सबसे पहले डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन है। डेरिवेटिव लें तो इक्वल टू आता है cos x। अब cos x कैसे आता है? बाय डेफिनेशन जो कल हमने प्रिंसिपल्स किए थे, जिसमें हमारे पास 4 स्टेप्स का जो प्रिंसिपल्स था वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। सबसे फर्स्ट पे हमने क्या करना है कि फंक्शन को यहाँ पे सिर्फ लेट किया y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें हमने क्या करना है, दोनों तरफ चेंजिंग करनी है दोनों वेरिएबल्स के अंदर, y के अंदर भी और x के अंदर भी। जहाँ पे y है वहाँ पे प्लस डेल y ऐड करेंगे, और जहाँ पर x है वहाँ पे प्लस डेल x हमने यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था उसके अंदर हमने y को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले जाना है और उसकी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यू मीन यहाँ पर y जो क्या है, जो ऊपर रीजनल क्वेश्चन दिया हुआ वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। उसके बाद इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है साइन a माइनस साइन b वाला, यहाँ पे x प्लस डेल x जो है वो एक फंक्शन कंसिडर किया हुआ है। साइन a माइनस साइन b
इसका फॉर्मूला आगे ओपन किया हुआ है, 2 cos a plus b over 2 sin a plus b minus b over 2. ये बेसिकली फॉर्मूला जो है ये डिफाइन होते हैं कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर वो एडिशन की फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन में आ रहे हैं तो उसे मल्टीपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनका भी आगे बेसिकली सारा का सारा प्रूफ होता है. यहाँ पर डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज किया हुआ है, ये आगे साथ में मेंशन भी किया हुआ है, सिंस साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 cos a plus b over 2 और साइन a माइनस b over 2. आगे उसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई मीन ये अंदर जो एंगल्स आ रहे हैं x plus del x plus x ब्रैकेट को ओपन किया, ओपन करने के बाद ये बनेगा 2x plus del x over 2, ये लिखा हुआ है साथ में. उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा साइन डेल x ओवर 2 के साथ. उससे नेक्स्ट वाला जो हमारे पास थर्ड स्टेप था उसमें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल एक्स, डेल एक्स से डिवाइड किया, डेल एक्स से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आएगी. अब ये जो ऊपर 2 है इसको उठा के नीचे ले गए क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टेप में इसमें अप्लाई करनी है लिमिट, जो हमारा लास्ट स्टेप है, लिमिट अप्लाई करनी है. और इस लिमिट अप्लाई करने के लिए ये चीज़ हमने करनी है साइन डेल एक्स ओवर 2 ओवर डेल एक्स ओवर 2, क्योंकि यहाँ पर डेल एक्स से जब अप्रोचेस लिमिट 0 पुट करोगे तो ये बनेगी 0 ओवर 0 कंडीशन, तो इसलिए हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड थी. दोनों के साथ लिमिट जो है वो सेपरेटली अप्लाई की है, फर्स्ट वाले में डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे हमारे पास रह जाएगा 2x ओवर 2 कॉस के साथ और 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये चीज रह जाएगी 2x ओवर 2, 2 2 से कैंसिल होकर आ जाएगा cos x और ये किसके इक्वल आ जाएगा बाय थ्योरम जो हम पीछे कर चुके हैं कि हमारे पास लिमिट वाले चैप्टर के अंदर कि लिमिट साइन x ओवर x की फॉर्म जो है अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फॉर्म बनती है तो ये हमारे पास इक्वल आता है 1 के, ये इक्वल आ जाएगा 1 के, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा cos x. इट्स मीन डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x और उसी नेक्स्ट जो है फॉर्मूला जो थ्योरम वाइज प्रूव किया हुआ है d ओवर dx cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x. इसमें जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे माइनस आता है, बाकी सारी वही चीजें आती हैं, कोसाइन के साथ ही आता है सारा का सारा फॉर्मूला कन्वर्ट होके, उसमें डिफरेंस कोई नहीं आता. ठीक है, इसमें सिर्फ अब आप लोगों ने फॉर्मूलाज को याद रखना है कि साइन का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, उसके बाद टेन का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर एक्स और उससे नेक्स्ट पे है हमारे पास सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव जो है वो सीकेंट एक्स टेन एक्स आता है, ये टेन एक्स का भी मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है. उससे नेक्स्ट पे याद आता है डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स, d over dx secant x is equal to secant x tan x, last पे है cosecant वाला, cosecant वाला same है d over dx cosecant x is equal to minus cosecant x or cot x. ये simple trigonometric functions के formulas हैं, derivative लेने के बाद इनको आप अपनी आसानी पे किसी भी पेज पे लिखने या चैप्टर के लास्ट पे ये पूरे के पूरे पेज पे दिए हुए हैं, वो पेज भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगी. आगे है एग्जांपल डिफरेंशिएट x tan x विद रिस्पेक्ट टू x. x tan x विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना हमने फर्स्ट वाले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वाला फंक्शन क्योंकि यहाँ पे x है, तो आप इस फंक्शन को किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग ऐड कर लें. लाइक यहाँ पे y के अकॉर्डिंग ऐड किया, y इक्वल टू x tan x. दिस यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा d ओवर dx की फॉर्म में विद डिफरेंशिएट बोथ साइड और प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा बिकॉज दो फंक्शन की यहाँ पे प्रोडक्ट है, एक फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन क्या है tan x है, एक फंक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. जो प्रोडक्ट रूल हमने कल अप्लाई किया फर्स्ट फंक्शन एज इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इज और फर्स्ट का यहाँ पे डेरिवेटिव. अब अभी हम ऊपर करके आए हैं कि हमारे पास टेन का डेरिवेटिव क्या आता है सेकंड स्क्वायर आता है और एक्स का डेरिवेटिव क्या है जो हमने कल लेक्चर में किया था, एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन, टेन एक्स का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पर सेकंड स्क्वायर एक्स और आगे फर्दर इसमें मुझे सिंप्लीफाई नहीं होना, इसका आंसर आएगा टेन एक्स प्लस एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स के साथ. नेक्स्ट वाला एग्जांपल है वैल्यू ऑफ dp ओवर dq, यानी कि यहाँ पर आप वेरिएबल उसमें चेंज कर दिए, पहले हम x y z में करते हैं, यहाँ पर उसमें थोड़ा चेंज कर दिया है, p में फंक्शन को नेम दिया और q जो है वो फंक्शन के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका एंगल यूज किया.
और फाइंड कहता है वैल्यू हमने जो करना है डी पी ओवर डी क्यू यानी कि डेरिवेटिव ऑफ पी दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव लेंगे, रेशियो फॉर्म आ रही है इट्स मीन क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, और क्वेश्चन रूल क्या था कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है उसका आएगा हमारे पास स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज एंड नॉमिनेटर वाली का डेरिवेटिव, अभी यहाँ पे डी के साथ मेंशन किया उसने, अभी डेरिवेटिव हमने नेक्स्ट स्टेप में मेंशन करना, माइनस नॉमिनेटर एज इट इज और जो नीचे वाली यानी कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू उसका यहाँ पर आएगा हमारे पास डेरिवेटिव। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे डेरिवेटिव, ये दो फंक्शन जो है वो एडिशन फॉर्म में आ रहे हैं तो इनके ऊपर दोनों के ऊपर डेरिवेटिव सेपरेटली अप्लाई होगा, साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस और कॉस का आगे डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन, सिमिलरली माइनस साइन क्यू प्लस कॉस क्यू ये एज इट इज लिया जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, हमने लेना डेरिवेटिव कॉस क्यू का और कॉस क्यू का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास माइनस साइन क्यू के साथ। उससे नेक्स्ट स्टेप में जस्ट इसकी ब्रैकेट को ओपन के अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई के लिए जो चीज कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दी, यहाँ पे कॉस क्यू और साइन क्यू आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले दोनों कैंसिल होते हैं और पीछे आ जाता है cos q square and plus sin square q की फॉर्म, ये दोनों इज इक्वल टू आएगा 1 और ये बनेगा 1 ओवर cos square q और 1 ओवर cos square जो है वो ऑपोजिट है secant square का, यहां पर हमारे पास आ जाएगा secant square q जो है वो आंसर आ जाएगा हमारे given question का जो हमें दिया गया था p is equal to cos q plus sin q के साथ, ओवर भी हमारे पास था cos q। नेक्स्ट पे फर्दर है डिफरेंशिएट x square secant 4x विद रिस्पेक्ट टू x, इसको आप लोगों ने खुद से करना है, एग्जांपल है सॉल्व की हुई है सारी। इसमें आगे ये सारी एग्जांपल्स बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई है क्वेश्चंस में सॉरी चैप्टर के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 21 डिफरेंशिएट tan 3 थीटा secant square थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये मैं करवा रही हूँ थीटा वाली बिकॉज इसके अंदर स्केयर वगैरह यूज आ रहे हैं, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी किए हैं लेकिन आप लोगों को फिर भी आसानी के लिए यहाँ पे करवा देती हूँ, आगे फर्दर जो मूव करना है क्वेश्चन में उसमें डेरिवेटिव सिंपल फंक्शन का तो नहीं रहेगा क्योंकि पावर भी आ रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यहाँ पे आ रही है पावर भी और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में भी आ रहा है क्योंकि दो फंक्शन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में आ रहे हैं। लेट किया वाई फंक्शन को नेम दिया वाई इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हमने इसको थीटा के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, अब डेरिवेटिव लेना है फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, पहले तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद उसको ओपन करेंगे, फर्स्ट वाला फंक्शन का डेरिवेटिव उसने लिया है जो बाद में मेंशन किया है आप पहले लिख लेते कोई इफेक्ट नहीं इसमें आने का, सेकंड स्क्वायर थीटा d ओवर d थीटा tan क्यूब थीटा यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड वाला एज इट इज साथ में मेंशन किया प्लस सेकंड वाला फंक्शन डेरिवेटिव की फॉर्म में आएगा और फर्स्ट वाला देखिए आप एज इट इज ही यहां पे मेंशन किया, डेरिवेटिव ओपन करना है हमने आगे d ओवर d थीटा का जो कि है tan क्यूब थीटा फंक्शन, इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, पावर रूल मीन पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से एक करेंगे लेस और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, अब इसे नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3 tan square theta फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा secant square theta के साथ, ठीक है, और सिमिलरली सेकंड वाला जो ये इसका डेरिवेटिव भी लेंगे tan cube theta एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव आएगा secant square theta का जो कि हमारे पास बनेगा पावर रूल के हिसाब से पावर साथ में मल्टीप्लीकेशन में आएगी, पावर में से एक लेस करेंगे और डेरिवेटिव आएगा secant theta और secant theta का डेरिवेटिव होता है secant theta tan theta के साथ, ठीक है। अब नाउ फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने और इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो secant square theta ने मल्टीप्लाई होना है आगे इसके साथ जिसके साथ भी फंक्शन साथ में डिफाइन है और tan cube theta ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा secant 4 theta tan square theta क्योंकि ये दो फंक्शन सेम है इनकी पावर ऐड होगी tan square theta के साथ ये एडिट आ जाएंगे और यहाँ से आएगा 2 secant square theta tan 4 theta क्योंकि एक tan ये है और एक tan 3 ये है और ये बन जाएगा tan 4 theta और ये पूरा यहाँ से इसने डिटेल में मेंशन करके आंसर आपका ये फॉर्म में दिया हुआ है, हमारे पास आगे फर्दर दोनों में से जो चीजें कॉमन आ रही हैं वो भी यहाँ पे कॉमन ली हुई है, कॉमन लेके सिंप्लीफाई किया हमारे पास ये आंसर आता है। अब इससे नेक्स्ट वाली जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 22 डिफरेंशिएट साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल स्क्वायर,
पहले तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे सिंपल, उसके बाद एग्जांपल किया, उसके अंदर एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है दो हैं, उसमें उनका आ रहा है पावर रूल, दोनों की पावर सेपरेट थी और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में थे, हमने प्रोडक्ट रूल के साथ अप्लाई किया। अब यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्ट्रैक्शन के साथ हैं लेकिन उनका होल स्क्वायर है, तो हमने इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में सेटिस्फाई करना है, होल स्क्वायर की फॉर्म में पावर रूल अप्लाई करना है। अब हम लेंगे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे जस्ट इसको मेंशन किया हुआ है। अब ये पावर ब्रैकेट के यानी कि पूरे फंक्शन के बाहर है, तो पूरे फंक्शन पे पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, पावर आ जाएगी यहाँ पे स्टार्ट में, पावर में से एक लेस करेंगे, इस पूरे फंक्शन की पावर में से एक लेस होगा 2-1, और फिर फंक्शन जो अंदर रह जाएगा उसका आएगा डेरिवेटिव। अब यहाँ पे पावर में से लेस किया तो ये पावर 1 आ गई है, डेरिवेटिव लेंगे अंदर डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं दो फंक्शन तो दोनों के ऊपर डेरिवेटिव सेपरेटली अप्लाई होगा। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस 2 थीटा, बट एंगल जब 2 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आएगा और वो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ मेंशन किया। माइनस डी ओवर डी थीटा कॉस 3 थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 3 थीटा आ जाएगा और एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। सिमिलरली आगे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं ठीक है, यहाँ पे नहीं किया हुआ क्वालिटी थी यहाँ पे मेंशन किया हुआ। अब आगे बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहे हैं लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं करवा रही अभी एग्जाम्पल्स, बाकी एग्जाम्पल्स खुद कीजिएगा, 25 एग्जाम्पल मैं जरूर करवाऊंगी क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, दो बाकी जो एग्जाम्पल्स रह गई हैं वो आप खुद से कीजिएगा। अभी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पे आपको करवाती हूँ, एक्सरसाइज में जो कल हमने क्वेश्चन किए थे वो तो शॉर्ट क्वेश्चन थे, अभी आज भी फिलहाल शॉर्ट ही है, क्वेश्चन नंबर 1 ही जस्ट हमने कल किया था और आज जो है क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सिंपल है, अभी ये शॉर्ट में ही उसने दिए हुए, लॉन्ग आगे जाके आएंगे जिसमें एडिशन सबट्रैक्शन सारा कुछ आएगा और पावर के साथ। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ने डेरिवेटिव लेना है जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए उनका, सबसे फर्स्ट वाले का अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे cos 2x तो इसका क्या डेरिवेटिव आएगा, क्लास इसका क्या डेरिवेटिव आएगा, -0.2x cos 2 भी आएगा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, माइनस साइन होता है और यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस साइन कॉस 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव जो आएगा वो हमारे पास 2 आएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है और x का डेरिवेटिव साथ में 1 होगा, तो मैंने सॉल्व किया हुआ है चीज को। ये देखिए मैंने इसको पूरा ओपन करके सॉल्व किया है ताकि साथ में जो 2 आ रहा है वो आपको पता चल जाए किस वे में आ रहा है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि आएगा मेरे पास माइनस साइन 2x और फिर एंगल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 2x जो कि आता है हमारे पास 2 कांस्टेंट है ऐसे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर 1 ठीक है, और ये सिंप्लीफाई करके बनेगा माइनस 2 cos साइन 2x के साथ। अब इसके बाद जो है तो आपने मुझे जल्दी जल्दी बताते जाना है कि इनके आंसर क्या आ रहे हैं, tan 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा, secant square 5x ना 7 5 ही आएगा एंगल का डेरिवेटिव, बिल्कुल ठीक है। उससे नेक्स्ट वाला नंबर 3, माइनस cos x आएगा आगे cos x cos 2x प्लस 2 साथ साथ 2 भी आएगा, बिल्कुल माइनस sin x प्लस 2 cos 2x आएगा और इससे नेक्स्ट पे cot square x माइनस cosecant डॉट cot 2x आएगा, यहाँ पर डॉट 2 नहीं है ये इसकी पावर है 2, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर आएगी स्टार्ट में यानी कि 2 cot x और फिर cot x का डेरिवेटिव आएगा जो कि हमारे पास बनेगा पावर शुरू में पावर में कम माइनस cosecant square x,
पावर मल्टीप्लाई आएगी क्योंकि पावर रूल अप्लाई हुआ हुआ है, ये देखें इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है बाय पावर रूल, साथ में मेंशन भी किया हुआ है। पावर टू स्टार्ट में आ जाएगी साथ में मल्टीप्लिकेशन में, पावर में से एक लेस होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव, ये बनेगा टू कॉट एक्स और कॉट एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा माइनस टू कॉट एक्स और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। उससे फर्दर जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें साइन स्क्वायर टू एक्स है, साइन स्क्वायर सॉरी एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्लास इसका आंसर बताएं जरा नंबर फाइव का। इसमें भी टू जो है वो इसकी पावर है और यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई होगा और ये बनेगा टू साइन एक्स और साथ में कॉस एक्स, पावर रूल के अकॉर्डिंग टू साथ में मल्टीप्लाई होगा, टू साइन पावर में से एक लेस करेंगे तो साइन की पावर वन रह जाएगी, टू साइन एक्स रह जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। जैसे ये कॉट स्केयर वाले का किया है एज इट इज ही इसका भी आएगा। अब उससे नेक्स्ट पे है नंबर सिक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स अब इसकी सारे की पावर जैसे कि पहले स्केयर दी हुई है, यहाँ पे इस पूरी पावर का मीन होता है कि ये एक्स की भी पावर साथ में कंबाइन है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है नंबर सिक्स पार्ट के अंदर, इसके अंदर कॉट एक्स होल स्केयर होता है, दैट मीन कि हमने पूरी इसके ऊपर पहले पावर को अप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई करना है, फिर फर्दर हमने इसको करना है। यहाँ पे मैंने नहीं किया, स्किप हो गया, मैंने नंबर वही किया हुआ सेवन ही इसको, बट इसको मैं बता देती हूँ कि आपने किस वे में इसको सॉल्व करना है। जैसे हमने ये कॉट स्केयर वाला किया है, यहाँ पे इसकी पावर टू थी, अब पावर जो है वो वन ओवर टू है। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो बेशक इसका लिख लें, पावर इसकी बनेगी वन ओवर टू और पावर इसकी आएगी साथ में मल्टीप्लीकेशन में वन ओवर टू कॉट एक्स की पावर वन ओवर टू माइनस वन, साथ में डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स जो कि हमारे पास आता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। सिंपलीफाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 1 ओवर 2 और कॉट एक्स की पावर जो 1 ओवर 2 माइनस 1 था वो जब सिंपलीफाई करोगे तो वो बनेगा माइनस 1 ओवर 2। इसे भी आप पॉजिटिव करने के लिए ले जाएं डिनोमिनेटर में 2 के साथ बेशक, और साथ में जो डेरिवेटिव बन रहा है कॉट एक्स का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को साथ में एज इज मल्टीप्लिकेशन में। उससे नेक्स्ट पर है साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसमें अब साइन फंक्शन का उसकी कोई पावर नहीं है बट इसके एंगल की पावर है, तो इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इसका डेरिवेटिव लेना है, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस और साथ में एंगल जो भी है यहाँ पे एक्स की पावर वन ओवर टू। अब हम लेंगे एंगल का डेरिवेटिव, एंगल एक्स की पावर वन ओवर टू और मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव मेंशन किया, उसी नेक्स्ट स्टेप में हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आ जाएगी हमारे पास साथ में मल्टीप्लिकेशन में, पावर में से एक लेस करेंगे और साथ में एक्स का डेरिवेटिव वन, लेस करने से पावर में वो बनेगी माइनस वन ओवर टू और वो मैं यहाँ पे नीचे ले गई हूँ और फर्दर मैंने इसको मुझे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट में है साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप पहले वाले क्वेश्चन के अंदर सेवन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहाँ पे दे दिया है साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर मीन कि हमने यहाँ पर इसकी पावर जो है वो एंगल की है, जैसे पहले वाला किया सेवन पार्ट एज इट इज ये है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा टू एक्स और आपके पास ये सिंप्लीफाई करने से बनेगा टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। और लास्ट वाला जो है वो सेम ऊपर वाले की तरह कॉट वाले की तरह है, नेक्स्ट पे है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले आएंगे तो फिर ही हम उसे सॉल्व कर सकते हैं बाकी। नोट्स पे जो पेज है पेज नंबर 111 उसी पे डिफरेंशिएट द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके फॉर्मूला दिए हुए हैं, प्रूफ भी दिए हैं। अब इसके प्रूफ भी सेम एज इट इज हैं जैसे मैंने ऊपर करवाए थे बाय स्टेप वाइज, इसमें एक का प्रूफ करवा देती हूँ बाकी एज इट इज हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप लोगों को। लेट कर लें जो भी फंक्शन जिसका भी डेरिवेटिव लेना है उसको हमने यहाँ लेट कर लिया वाई के अकॉर्डिंग, इनवर्स फंक्शन है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। और अभी हम लोगों ने जो ऊपर किया है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये क्या बनेगा
डी ओवर डी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा वन. अब साइन वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा साइन का डेरिवेटिव कॉस वाई. अब वाई का रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे वन नहीं आएगा, ये एज इट इज ही डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा. डी वाई ओवर डी एक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हम इसी का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. हमने वाई खुद से लेट किया तो हमने वाई पूरा अपने फंक्शन से स्किप करना है. कॉस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ये वाई हमने खुद से चूज किया है, ये यहाँ पर फंक्शन में नहीं दिया गया था और हमारा इस वक्त जो फंक्शन का कम्बिनेशन बन रहा है इसको तो आप बेशक निग्लेक्ट कर दें क्योंकि डेरिवेटिव ही ले रहे हैं हम अपने फंक्शन का, लेकिन जो उसका आंसर आया है उसके अंदर वाई नहीं आना चाहिए. हमने खुद से चूज किया तो हमने इस वाई को स्किप करना है. फॉर दिस स्किपिंग हमने कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करना है या ऊपर इसमें से वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करके फाइंड करना है. अब हमें ये पता है कि कॉस वाई इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर वाई. ये डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, ये जो हम फॉर्मूला लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन. कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन. तो यहाँ से साइन स्क्वायर को उठा के आप कॉस के साथ दूसरी तरफ ले जाओगे तो बनेगा वन माइनस साइन स्क्वायर वाई. और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर खत्म करने के लिए जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गए, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया. तो हमने यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करना है कॉस वाई की जगह पे वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन स्क्वायर वाई किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ यहाँ पे ऊपर एक्स. तो ये बनेगा वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में. ये देखें यहाँ पे यही चीज आ गई, ठीक है. डेट मीन के डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. और यही हम यहाँ पर फॉर्मूला जो है कम्प्लीट करेंगे. अब हमारे पास जो फॉर्मूला बना है साइन इनवर्स एक्स का वो इज इक्वल टू वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है ऊपर वाला ही फॉर्मूला है साइन वाला. इनको माइंड में रखने का जो वे है मैं आपको बता देती हूँ कि साइन का जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का उसमें हमारे पास बनता है वन ओवर वन माइनस का कॉस स्क्वायर वाई की फॉर्म, ठीक है. तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे उसका एक्स सब्स्टिट्यूट किया और ये हमारे पास बनेगा वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इनवर्स वाले का. और कॉस इनवर्स का फॉर्मूले में बिल्कुल चेंजिंग नहीं, अगर आप देखें ये और ये चीज बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन चेंज हो गया है, कॉस के अंदर साथ में साइन आ जाता है माइनस. तो इनमें रिजेम्बलेंस पाई जाती है, रिजेम्बलेंस के अकॉर्डिंग इनको याद रखना है. सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का तो बनता है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये बनता है वन ओवर वन प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स, इस वजह से हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आती है. और अगर आप कॉट का देखें तो कॉट और टेन में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ माइनस का डिफरेंस है. इसी तरह कोसेकेंड में और सेकेंड में डिफरेंस नहीं है, उनका फॉर्मूला जो है वो सेम है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन जो है वो नेगेटिव की वजह से चेंज आ रहा है. अगर ये देखें इसमें और इसमें, तो इनको याद करने के जो बेस्ट वे है इसमें कौन सा फार्मूला लाइक कौन से फार्मूले से, मतलब कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे कौन सी वे यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम आप दोबारा से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. इसको माइंड में रखने का सबसे बेस्ट वे यही है कि एक फार्मूले को आप इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग ही माइंड में रखें, रट्टा नहीं लगाएं कि ये चीज़ ऐसे है और अगर साइन का होगा तो ये ऐसे होगा. क्यों ऐसे है सिर्फ वो माइंड में रखें, बाकी जो है ऑटोमेटिकली जो उसका इन्वर्स वाला फार्मूला है वो रिड्यूस हो जाता है. अब आगे एग्जांपल्स में यहाँ पे नहीं करवा रही, क्वेश्चंस करवाती हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जो अभी बेसिक सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. डिफरेंशिएट द फॉलोइंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं, ऊपर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो दिए हुए हैं जैसे साइन इनवर्स एक्स का दिया था, यहाँ पे एंगल जो है एक्स ओवर ए है, वहाँ पर साथ में जो एक्स दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव वन आता है. यहाँ पे जब हमने इनवर्स फंक्शन अप्लाई करना है तो हमने एंगल का डेरिवेटिव पूरा जो भी एंगल होगा एक्स ओवर ए उसका डेरिवेटिव लेना है, जो भी इसके अंदर कॉन्स्टेंट वगैरह लाइक कर रहे हैं, ठीक है. उससे रिलेटेड हमने इसको आगे फर्दर से आगे सिंप्लीफाई करना. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने साथ में फॉर्मूलाज भी अप्लाई किए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं. साइन इनवर्स एक्स ओवर ए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब साइन इनवर्स एक्स का क्या बेसिकली फॉर्मूला है, हमारे पास ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और जो साथ में ये मैंने वन मेंशन किया है ये इस एंगल का डेरिवेटिव है. अब हमारे पास अगर आप इस एंगल को देखें एक्स यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर एक्स आ रहा है, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है इस वक्त फॉर्मूले के अंदर एक्स ओवर ए. तो जहां पर भी x है वहां पे हम क्या लगाएंगे x ओवर a,
इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर ए भी आएगा। अब एक्स ओवर ए के अकॉर्डिंग अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और साथ में डी ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव भी लेंगे। यहाँ पर एक्स ओवर ए है, ए कॉन्स्टेंट है, तो वन ओवर ए मैंने कॉन्स्टेंट सेपरेट कर लिया, डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे चला जाएगा। और उसके अलावा एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर था और दोनों के साथ सेपरेट स्क्वायर किया, इसका डेरिवेटिव आएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा वन। और यहाँ पे अब हमें इसका लूंगी एलसीएम क्योंकि मुझे इसको करना है सिंप्लीफाई। एलसीएम लूंगी ओवर में एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर और ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर रूट जो है वो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ सेपरेट करूंगी, यहाँ पे रह जाएगा ए और उससे नेक्स्ट स्टेप में ये ए जो है वो ऊपर चला जाएगा और साथ वाले के साथ कटिंग हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने कॉज वाला नहीं किया, सेकंड इनवर्स वाला किया है, थोड़ा सा डिफरेंट था उसको मैंने यहाँ पे किया है क्योंकि इसके साथ ही एक्स आ रहा है। सेकंड इनवर्स का हमने डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे एंगल जो है एक्स ओवर ए है और यहाँ पर जो फॉर्मूला एक्स के अकॉर्डिंग है वो मैंने साथ में मेंशन किया है, सिंस डी ओवर डी एक्स सेकंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। जहाँ पर भी फॉर्मूले में एक्स है वहाँ पर एक्स ओवर ए को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमारा एंगल जो है वो एक्स ओवर ए है और साथ में एंगल का डेरिवेटिव भी आएगा। यहाँ पे भी बेसिकली एंगल का डेरिवेटिव होता है जो कि एक्स का डेरिवेटिव वन आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहाँ पे एंगल डिफरेंट है तो मैंने इसको साथ में मेंशन किया जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, साथ में एक्स का लेंगे डेरिवेटिव। सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, ये है हमारे पास होल का स्क्वायर एक्स ओवर ए होल स्क्वायर है और साथ में आ रहा है माइनस वन। फॉर्मूला को जब हमने ओपन करना है तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वन और फर्दर हमने इसका एलसीएम लेना जो ये फॉर्म आएगी, साथ में वन ओवर ए पहले वाले की तरह ही कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव एक्स पे रह जाएगा जो हमारे पास आएगा वन। इसके अलावा मैंने एक्स ओवर ए इसको ओपोजिट किया है मतलब रेशो के ओवर रेशो में है तो ए जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये बनेगा ए ओवर एक्स की फॉर्म में। ये वाला जो ए है यानी कि ये जो मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है ये ए इस ए के साथ हो जाएगा कैंसिल और आपके पास फंक्शन रह जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में ये ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब सेपरेट करोगे ये रह जाएगा ए और ये चला जाएगा आपके पास ऊपर क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो जब ऑपोजिट होता है तो वो नोमिनेटर बन जाता है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग मैंने इसे यहाँ पर अप्लाई किया है और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है मैंने डिफरेंट पार्ट को सॉल्व किया है, इसमें साइन इनवर्स वाले को किया और सेकंड इनवर्स वाले को किया क्योंकि इसके साथ बाहर एक्स आ रहा है। और यहाँ तक अभी एक्सरसाइज होगी अब कंप्लीट हमारी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम कल करेंगे, 4 और 4 से आगे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं। सीआर क्लास में मौजूद हैं सीआर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है मिड के पेपर में किसी को कोई इशू तो नहीं है, किसी भी स्टूडेंट का पेपर रहता तो नहीं है, मिड का सबका सबमिट है। क्लास में आप लोगों को लिंक जो है वो क्विज का लिंक जो है मैं ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, आपने पूरे 10 बजे से पहले उसे सबमिट कर देना है, पूरे 10 बजे तक सबमिट कर सकते हैं आप लोग उसे। मैंने उसमें लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं रखे, कुछ उसमें लिमिट वाला ही चैप्टर था, लिमिट जो है वो सॉल्व करनी पड़ेगी आप लोगों को कुछ की, और वो बिल्कुल शॉर्ट ही है, लॉन्ग फिर भी नहीं है वो।
और आपने अपने सिर्फ रोल नंबर के साथ उसे अटेम्प्ट करना है। क्लास मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? और मिड के पेपर की तरह नहीं करना कि आपने उसको ट्राई करना है कि वो अटेम्प्ट होता है या नहीं, वो आप लोगों को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं होगा। आप लोगों को उसके आंसर जो है वो एक दफा अटेम्प्ट करके शो नहीं होंगे, तो इसलिए आप लोगों ने इसको फेक रोल नंबर के साथ अटेम्प्ट नहीं करने की, ट्राई नहीं करनी। मेरे पास इस वक्त जो टाइम है वो पूरे 9:40 हो गए हैं। लिंक मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। सिर्फ 10 MCQs हैं और 10 MCQs के लिए 20 मिनट्स इनफ है। विदिन 20 मिनट्स ही आपने इसे सबमिट करना है। जितना आपका क्लास का टाइम है उसी में आपने इसको सबमिट करना है। किसी क्वेश्चन के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो पहले बेसिकली क्वेश्चन पढ़ लें ताकि मैं मीटिंग जो है वो एंड कर दूं, फिर आप इसको खुद ही से सबमिट कर दीजिएगा। कोई भी मसला है किसी क्वेश्चन में तो क्लास आप मेरे से पूछ लें बेसिक, सिर्फ क्वेश्चन में, नॉट ऑप्शंस। सीआर कोई मसला नहीं है, मेरी आवाज अगर कम आ रही होती है तो आप मुझे बता दिया करें। मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि खामोशी से मत बैठा करें। आवाज मेरी स्लो आ रही थी तो आप मुझे बता देते। मैंने सिर्फ आपको इसलिए कॉल की थी कि अटेंडेंस ले लें ताकि मैं मीटिंग जो है वो एंड कर दूं, स्क्रीनशॉट बना लूं। ओके मैम, अटेंडेंस तो ले लूंगा, असल में ना मेरी तरफ कोई नेट प्रॉब्लम था, उस वजह से नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। चलिए कोई इशू नहीं है, अगर आपको कम आ रही हो कभी तो आप बता दिया करें ताकि बाकी क्लास से भी बंदा पूछ लेता है कि अगर उन्हें भी कम आ रही है तो सम टाइम हो सकता है मेरा भी नेट का इशू हो सकता है। ठीक है, बता दिया करो, कोई इशू नहीं है। ओके मैम, ओके क्लास, बेस्ट ऑफ लक। और टाइम मैं दोबारा से बता रही हूँ कि 10 बजे के बाद वाला मैंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना। अल्लाह हाफिज़।